हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी मैं आपको मटर की स्टफिंग, मटर से भरा हुआ कचौरी बनाने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए, हमने आटा सान लिया। इसमें आधा मैदा आधा आटा, गेहूं का आटा मिलाया। इसके बाद आटा का लोई, आटा को सान लिया। इसके बाद इसमें जो सुबह हमने बताया, दिखाया था आपको, मटर का भून के उसको सोते करके थोड़ा सा कढ़ाई में उसका, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा गरम मसाला हल्का सा डाल के उसको सूखा कर दिया मटर को। मटर को थोड़ा मिक्सी में पहले ग्राइंड करके हल्का दरदरा, फिर उसको कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल के और मटर का बैटर डाल के, मटर को जो दरदरा किया है वो डाल के, थोड़ा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा उसमें गरम मसाला वगैरह डाल के उसको ड्राई करके, सुबह मैंने रखा था ना बॉल में, ऑरेंज कलर का बॉल में, उस तरह करके बैटर बनाया। फिर ये इसका लोई बना दिया, आधा मैदा इसमें, आधा गेहूं का आटा। अब इसमें स्टफिंग कर दिया, ये देखिए, इसमें इस तरह करके हमने छोटी छोटी गोली बना दिया। उसमें सब में मटर के, मटर का जो बनाया हुआ था स्टफिंग के लिए जो मसाला बनाया वो इसमें भर दिया। अब देखिए इसको बेलने का, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि पतला करने से ये मटर निकल जाएगा। ये देखिए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा अजवाइन दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कलौंजी भी डाल दिया। ये देखिए कलौंजी, अजवाइन, ये मटर का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अब इसको हम, इसको देखिए इस तरह का, इस तरह हमने बहुत सारे बना रखा है। ये देखिए ऐसे ऐसे बेल के, थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा इसका जो है लो जो है गैस का, थोड़ा सा सही ज़्यादा ही डालिए जिससे कि ये फूलने का, कचौड़ी आपका फूल जाए। ये देखिए कचौड़ी, तेल गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तेल गरम हो रहेगा तो आपका ये कचौरियाँ देखिए अभी फूल रहे हैं ना कचौरियाँ, तो उस तरह करके फूल जाएगा और खाने में भी बहुत बेहद लाजवाब टेस्ट है इसका। यही मैंने आज अपने जो पार्टी किया था, लेट गेट टुगेदर, अपने फ्रेंड वगैरह अपने बुलाया था लड़कियों को। ये देखिए कितनी प्यारी कचौरियाँ लग रही है, सीक गई है पूरी लाल लाल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह करके कचौरियाँ इस तरह करके हमने इसमें डाला। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप ये चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये धनिया का, धनिया में लहसुन, अदरक, मिर्ची और थोड़ा सा खटाई डाल के इसको ग्राइंड कर दिया। ये धनिया की पत्ती का चटनी और इसके साथ हमने आलू दम बनाया। ये देखिए ये आलू दम, अब देखिए, ये देखिए कितना ही हमारे दर्शकों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये आलू दम, ये आलू दम और ये कचौरियाँ, अब देखिए ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। और आपके यहाँ कोई गेस्ट अगर आए या कुछ पार्टी में, तो ये किसी को बुलाने का आपको हलवाई का ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी इजी वे में बना सकते हैं कचौरियाँ और आलू दम। और स्वीट डिश में आप चाहिए तो एक रसगुल्ले रख सकते हैं। बस इतना ही, अभी आप देखिए आलू दम का आप देख लीजिए एक बार फिर देखिए, ये बिना लहसुन प्याज का कितना टेस्टी बनाया है। अब देखिए टमाटर इसमें बैटल, थोड़ा सा आलू को थोड़ा सा इसमें मैश कर दिया है, इसीलिए थोड़ा ये ग्रेवी इसका फर्स्ट क्लास। देखिए अब ग्रेवी है और बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा तेल वेल भी नहीं डाला है। बाद में थोड़ा सा इसमें
एक चम्मच घी डाल दीजिए लास्ट में, तो इसका फ्लेवर और अच्छा होता है। और धनिया के पत्ते काट के आप डाल दीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा यूनिक चीज़ हमने बताया। आपका कोई पार्टी हो कुछ हो तो आप ये बना सकते हैं। दोनों का जो पेयर है बहुत फर्स्ट क्लास है, सिंपल है ये। फ्रेश धनिया की आप चटनी भी डाल सकते हैं, और आप कचौरियों के साथ आलू दम, चटनी, रसगुल्ले, एक फुल आपका खाना हो गया। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आपको मैंने बताया कि कचौरियाँ हमने कैसे बनाया, आलू दम और चटनी और रसगुल्ले तो बताया था। गुलाब जामुन क्या होता है, उसमें ऑयल रहता है, इसलिए रसगुल्ले, वाइट रसगुल्ला सबसे बेस्ट होता है। बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।